तो आज कुछ ऐसा मौसम है, बादल लग रखे हैं, तो टीटू भी मेरे साथ है, मौसम भी है, संडे है आज, तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज कुछ ऐसा सीन है कि कल से मेरा स्कूल खुल रहा है और आज है 1 अगस्त, तो मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे कुछ है नहीं मुझ पर, वैसे ही क्योंकि घर की ड्रेस में जा नहीं सकते ना अपने स्टाइल में, और क्या क्या मुझे ये पता भी नहीं है कि मेरी यूनिफॉर्म कहाँ पड़ी है, और प्लस कॉपी वगैरह की क्या क्या ले जानी है, टेक्स्ट बुक वगैरह, बुक वगैरह सब चीज़, मतलब कुछ भी पता नहीं है मुझे ए टू जेड, और टाइम टेबल भी नहीं पता। वैसे स्कूल से भी तो कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में, और क्या पता आ जाएगा थोड़ी देर में, तो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मतलब पिछले साल जब 9th में था मैं, तो शुरू में सोते ले लिए थे अपने स्कूल के यूनिफॉर्म वाले होते ना, शूज़ आते हैं, तो उसके साथ क्या क्या हुआ कि तब उसके बाद लॉकडाउन लग गया, वही वाला सीन हो गया। तब उसके बाद फिर से बीच में थोड़ा सा खुला था लॉकडाउन, तो उस टाइम क्या हुआ कि जब मैंने जूते पहनने की कोशिश करी तो जूते का एक साइज छोटा, एक नंबर छोटा हो गया था, तो क्या हुआ कि तो मुझे वापस जाना पड़ा शॉपकीपर के पास। तो वो बोल रहे कि आपने तो ये जूते लिए नहीं थे हमारे यहाँ से, वो मतलब वो यही भूल गया था कि मैंने वहाँ से जूते भी लिए थे। गाइस, आई थिंक टीटू आम आदमी पार्टी में जाना चाहता है। ओए ओए झाड़ू वाले, ओए झाड़ू वाले, कहाँ फंसा दिए इसने झाड़ू, देखो ये गलत, इसको देखो, इसको देखो। टीटू तुझे कैसा लग रहा है, हमारे स्कूल खुलने वाला है कल से, तो तू बहुत बोर हो जाएगा, है टीटू? लेकिन कोई नहीं है, कुछ दिनों के लिए खोलेंगे, उसके बाद फिर से बंद हो जाएंगे, फिर से वैसे ही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है? हाँ, इसलिए झाड़ू को मत कर रही है। तो नानी अब क्या कर रही हो, ऐसी घूम रही हो? मतलब कुछ तो देख रही होगी, कुछ सोच के तो आई होगी। अब यहाँ अच्छा खीरा तो, पर इस बार 2-4 जिन्हें हुए भी वो भी बंद इस टीटू के कारण बच गए। टीटू ने बंदरों को भगा दिया, इसने इतना साहस करा, और साहसी बालक थे ना, आधे से ज्यादा 100-200 आड़ू तो इसने खा लिए होंगे। आज कल्पना का बर्थडे है, तो शाम को जब पार्टी होगी तो दिखाऊंगा आपको गाइस। अभी मैंने टी शर्ट लेनी है अपने लिए, मतलब स्कूल की शर्ट है, सॉरी शर्ट लेनी है, वाइट कलर की शर्ट लेनी है, तो अंकल के पास रहती है। संडे का आनंद मस्ती से, संडे को मस्ती से घूम रहे हैं। अंकल ने कहीं रख रखे, अंकल बोल रहे कि इसलिए कि शाम को ले जाना, तो ठीक है मैं शाम को ले जाऊंगा। तो दुकानें भी बहुत कम खुली है, संडे का टाइम है ना, बहुत कम दुकानें खुली है। देख तू तो क्या आया अबे? तो नानी अभी गेम में उठ रही है, एक साइंस मैं पकड़ देता हूँ। आज सूख जाएंगे, उसके अंदर जितना भी कीड़ा वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। हाँ तो मैं भी ले जाऊंगा गाइस चक्की पिसाने, मैं आपको उसका इसी बहाने में आपको चक्की भी दिखा दूंगा यहाँ की। प्राची ने अपना गिफ्ट तो ले लिया है, और मैं देखता हूँ क्या लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पेन का पैकेट लूंगा। यहाँ देखो इस एरिया में भी रोड का काम शुरू हो गया। फाइनली गाइस मैंने ले लिया एक पैकेट पेन का, क्या 30 रुपए में लाया मैं सब कुछ, 20 रुपए का पेन का पैकेट था, थोड़ा सा दे दे, इतना सारा खुद खा लिया, मैं खाऊंगी थोड़ा, दे दे एक टुकड़ा, नहीं झूठा आ गया, थोड़ा सा दे थोड़ा। वाह टूटा भी नहीं जा रहा, ये देखो कंचना का खाना है ये। मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि स्कूल कल खुलेंगे, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं, शाम हो चुकी है। तो ये है कल्पना जिसका बर्थडे है, और ये है अर्चना उसकी बहन, मैंने आपको दिखा दिया था, और ये है वर्षा। वर्षा हेलो कर दे, वर्षा पता नहीं क्यों शर्माती है, तो शर्माती की एटीट्यूड दिखाती है वे। फाइनली हम निकल गए हैं होटल के लिए,
तो कितने साल की हुई है? 15 लाख मुझे नहीं पता। और इसको कितने साल की है? पता नहीं। और ये 0.001। मेरा बर्थडे भी यही मनाया था, तो कल्पना का बर्थडे भी यही सेलिब्रेट करेंगे। अंकल दो चहल पहल हो चुकी है। हम इसको देखो, ये अलग बैटरी किया, ये देखो बेचारे। अभी सब अपनी बहन को अलग छोड़ दिया, इन्होंने मुझे पहरेदार बनाया, कहीं जा रहा है मुझे यहाँ छोड़ दे, मैंने यहाँ रहने के लिए तो मेरे पास है क्या करने के लिए, किसकी रक्षा करूँगा मैं। इसको देखो, खाना पहले नहीं खाया, सौंप पहले खाने लग गई। चलो सब अंकल से कुछ बात करते। तो अंकल आपने क्या सोचा, मतलब कि आपने लॉकडाउन में खोला ना होटल? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आप पहले कहीं बाहर करते थे क्या जॉब? हाँ जी, चंडीगढ़ करता था। चंडीगढ़ करते थे? हाँ जी। अच्छा, होटल में बना ना। तो आपने सोचा होगा अपना खोलेंगे तो अपने में सही रहता है ना? अपना भी लॉकडाउन से हमारे होटल बंद हो गया सभी। फिर हमने कहा चलो अपना ही काम कर लेते हैं। और अंकल फास्ट फूड के लिए बहुत फेमस है अंकल की, जो मतलब रेस्टोरेंट टाइप है, तो हमारा थलीसन में, पूरे थलीसन में बाहर बाहर से भी आते हैं लोग, स्पेशली मोमोज, ग्रेवी मोमो, काठी रोल वगैरह सब चीज। प्राची वो भी आए थे लेकिन फिर से वापस चले गए। और इस अर्चना को छोड़ दिया। अर्चना इसके अंदर क्या है, ये क्या है? फाइनली सबके सब जिनमें बर्थडे में इन्वाइटेड थे सबके सब आ गए। देखो अभी मेरे ट्यूशन भी है 7 बजे, तो उससे पहले पूरा बर्थडे जो इसका बर्थडे है निपटाना पड़ेगा। अभी तुम ये बर्थडे मनाने आए हो कि सांप की सीढ़ी खेलने आए हो? अभी यार 5-6 होने चाहिए था, नहीं तो मैं भी खेल लेता। बोर नहीं हो रहा तू? देखने में कैसे लग रहा है? ठीक है, अभी खा के देखना पड़ेगा। दो दो चटनी, मोमोज की चटनी ज्यादा अच्छी होती है, चाउमीन में भी इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। प्लस अंकल ये क्या है? ये हमारा स्पेशल मसाला ऑरिगेनो पाउडर। अच्छा, सो इसको इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्या हो रहा खाने में, क्या हो रहा तेरे मुंह के अंदर? थोड़ी डाल रहा फोन। अब हम खाने लग गए तो कैसा हो रहा है और टेस्ट कैसा हो रहा है? टेस्ट करा कि इसके साथ जो मोमोज वाली चटनी होती है ज्यादा अच्छी होती है, तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए अंकल मोमोज वाली चटनी अच्छा जब जो इन्होंने नहीं कर रखा अभी तक, इसको देखना मत। गाइस आज कल लोग हम यहाँ पे अर्न करते हैं तो बहुत मजा आया हमें आधे घंटे वेट करने के बाद। तो अगर आपने वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, प्लस शेयर भी कर देना प्लीज वीडियो को। तो आज की दिन में रहा, सो बाय। To my shadow, turns to sun rays, and I...